हिंदुस्तान में बहादुर बेटों की कमी नहीं है। इस मुल्क की मिट्टी उनके खून से लहराई हुई है। क्यों दिखाई नहीं दिए कोमाराम भीम राजू के जन्मदिन पर? किस तरह से फिल्म RRR के सेट पर मनाया गया डायरेक्टर का जन्मदिन? क्या 40 फीट की ऊंचाई से जंप लगाएंगे राजमौली फिल्म के एक्टर रामचरण को? जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, मैं हूं अभिलाषा दुबे, स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे चैनल में। आइए बात करते हैं हमारे आज के वीडियो के विषय के बारे में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है फिल्म RRR। तो आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीडियो का। आपने फिल्मों के कलाकार को कई अलग अलग अंदाज में जन्मदिन मनाते हुए देखा होगा। कभी ये सितारे किसी दूर विदेश जगह पर जाकर अपना खास दिन सेलिब्रेट करते हैं, तो कहीं वे अपने घर वालों के साथ इस दिन को मनाते हैं। और जब बात हो फिल्म के सेट पर, तो जन्मदिन मनाने का पूरा टीम के साथ ये जन्मदिन मनाया जाता है। उस सदस्य का जन्मदिन धूमधाम से मनाई जाती है। अब RRR की टीम को ही ले लीजिए। 27 मार्च यानी कि आपके चहेते मगध धीरा हीरो रामचरण का जन्मदिन था। क्या कोई अपने जन्मदिन वाले दिन भी शूटिंग करता है भला? शायद यही सवाल रामचरण की बीबी उपासना कामिनेनी ने भी उनसे किया होगा। लेकिन फिल्म जब इतनी निराली हो और फिल्म के डायरेक्टर SS राजमौली हो, तो हर एक एक्टर उस फिल्म के सेट पर संडे हो या मंडे, बर्थडे हो या फिर कोई भी आम दिन जैसा पहुंच जाएगा। और डायरेक्टर राजमौली भी अपने एक्टर्स के प्रति काफी प्यार लुटाते हैं। इसी बात से पता चलता है कि फिल्म RRR के मुख्यालय कलाकार के जन्मदिन पर डायरेक्टर ने उनके नाम का एक बहुत ही बड़ा कटआउट सेट पर लगवाया था। और यह कटआउट इतना बड़ा था कि इसके लिए क्रेन का इस्तेमाल करना पड़ा था। इसके साथ ही सेट पर राजमौली ने केक और आतिशबाजियों का भी इंतजाम किया था। लेकिन एक जो चौंकाने वाली बात थी वह यह थी कि आखिर उस वक्त फिल्म के बाकी कलाकार थे कहाँ। जी हाँ, इस खास वीडियो में डायरेक्टर और एक्टर रामचरण तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिल्म के बाकी के क्रू भी दिखाई दे, लेकिन ना तो फिल्म के दूसरे मुख्य कलाकार कोमाराम भीम यानी कि जूनियर NTR कहीं भी दिखाई नहीं दिए और ना ही कोई अन्य कास्ट। अरे तो आपको बता देते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ था। दरअसल फिल्म में रामचरण राम अवतार में लुक इसी दिन जारी किया गया था और इस अवतार की फोटोग्राफी की वजह से सिर्फ रामचरण, डायरेक्टर और क्रू ही सेट पर मौजूद थी। इसी तरह पिछले साल अक्टूबर के महीने में एक और खास वीडियो वायरल हुआ था। मौका था डायरेक्टर का जन्मदिन। जी हाँ, SS राजमौली साहब का जन्मदिन 10 अक्टूबर को ही आता है और पिछले साल तो पूरी टीम ने उनके इस खास दिन को बड़े ही रोमांचक तरीके से मनाया था। चलिए उठाते हैं इस राज से पर्दा और खोलते हैं इस राज को। हमने आपको बताया ही था कि फिल्म के प्रोड्यूसर DVV एंटरटेनमेंट, जिनके यूट्यूब चैनल से अक्टूबर 2020 में पहली बार ऑफिशियल फिल्म के टीजर अलग अलग भाषाओं में रिलीज किए गए, इसी यूट्यूब चैनल पर आपको फिल्म से जुड़े बिहाइंड द सीन्स की कुछ झलकियां भी देखने को मिल जाएगी। इतना ही नहीं, डायरेक्टर के जन्मदिन से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया है जो काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में सबसे पहले दिखाई दिए हैं RRR के सदस्य, जिसके बाद फिल्म के सहायक निदेशक और सह निदेशक ने डायरेक्टर की कुछ बातें और हाव भाव का खुलासा भी किया है कि जैसे डायरेक्टर राजमौली सेट पर व्यवहार करते हैं और डायरेक्टर के रूप में वह कितने स्ट्रिक्ट है। डायरेक्टर के बारे में यह भी खबर आई थी कि उन्हें एक अंडर वाटर शूट करने में कुछ दिक्कतें आ रही थी और इस शॉट को शूट करने के लिए कई बार रिटेक लेने पड़े थे, लेकिन जब तक उन्हें परफेक्ट शॉट नहीं मिला था तब तक उन्होंने ओके नहीं बोला था। उनके असिस्टेंट डायरेक्टर किरण ने बताया कि फिल्म RRR की लोकेशन के लिए डायरेक्टर ने उनसे उस लोकेशन की तस्वीर खींचकर भेजने को कहा। जब उन्होंने फोटो भेजी तो डायरेक्टर ने कहा कि ऐसे कैसे लोकेशन समझ आएगी। फिर उन्होंने एक आदमी को खड़ा करके बैकग्राउंड के साथ तस्वीर ली है तो उन्होंने कहा लेफ्ट और राइट का व्यूज भी समझ नहीं आ रहा है। जब किरण ने दोबारा लेफ्ट और राइट व्यू के साथ फोटोज खींच कर भेजी, तब उसके बाद उन्होंने लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट का एंगल समझ नहीं आ रहा था।
जिस पर उनकी टीम ने एक वीडियो तैयार करके उनको तुरंत भेजा, लेकिन यह मामला भी डायरेक्टर को सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा और अंत में उन्होंने कहा कि छोड़ो, सेट्स पर ही ब्लू मैट्स लगाकर वहीं शूटिंग कर लेंगे। इसके बाद जूनियर एनटीआर ने भी डायरेक्टर के बारे में कहा कि जब भी हम थक हार कर सोचते हैं कि चलो कुछ देर आराम कर लेंगे, तभी डायरेक्टर किसी मुश्किल स्टंट की बात कर देते हैं। हम जब भी पैकअप कर 1 बजे घर लौटने की सोच ही रहे होते हैं, डायरेक्टर साहब को एक बेहतरीन आइडिया आ जाता है। वो रात के कभी भी 12 हो या 1 बजे बोलते हैं कि चलो शूट करते हैं। हालांकि सीक्वेंस उनके दिमाग में अभी तैयार है या नहीं, ये हमारी किस्मत पर है। तो रामचरण ने बड़ी ही मजाकिया अवतार में डायरेक्टर की बात बताई कि जब उन्हें पता चला पहली बार कि डायरेक्टर एक्शन सीक्वेंस डायरेक्ट करेंगे, तो रामचरण सेट पर पहुंचे जहां उन्हें डायरेक्टर ने बताया कि वो देखो सामने 40 फीट की ऊंचाई से जंप लगाई जाएगी और देखना तुम चरण क्या शॉट होगा। तो रामचरण ने कहा, वाह सर, ये काफी रिस्की है और हिम्मत माननी पड़ेगी जो इस शॉट को कर लेगा, लेकिन सर ये करने कौन वाला है। तो डायरेक्टर ने उन्हें देखते हुए की कहा, और कौन, तुम चरण। इसी तरह उनकी पूरी टीम ने उनकी स्ट्रिक्टनेस के बारे में बातें बताई, लेकिन वीडियो के एंडिंग में एक बहुत ही प्यारा मैसेज उन्हें दिया कि हम आपको इन्हीं कारणों के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। आप हर दिन हमारे लिमिट पुश करके हमारे अंदर से हमारा बेस्ट वर्जन लाते हैं। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, टीम RRR। तो था ना ये आयरोनिक बर्थडे विश, जिसे राजमौली हमेशा याद रखेंगे। वहीं अगर आप राजमौली साहब के फैन हैं तो आपको उनकी आखिरी फिल्म बाहुबली पसंद आई थी, तो हम आपको उनकी दूसरी बेहतरीन फिल्में जैसे कि 2012 की इर्गा और 2009 की मगधीरा जरूर रेकमेंड करेंगे। तो आपका क्या कहना है कि आज की हमारी फिल्म के सेट से जुड़ी इस खास वीडियो के बारे में कमेंट कर जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।